लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। शक्तिनगर स्थित स्पीकर कैंप कार्यालय पहुंचे बिरला। कैंप कार्यालय में आम लोगों से मिल रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के 6 दिन के प्रवास पर स्पीकर बिरला हैं। कोटा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैंप कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। आमजन से मुलाकात करते हुए ओम बिरला, संसदीय क्षेत्र है उनका और संसदीय क्षेत्र के 6 दिन के प्रवास पर स्पीकर बिरला है। इससे पहले जब वो कोटा पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता मौजूद थे, खुश थे, नारेबाजी की जा रही थी। और ओम बिरला का कोटा में हमेशा से ही भव्य स्वागत होता रहा है क्योंकि कोटा में उनका दिल बसता है, रूह बसती है। और जब वो कोटा पहुंचते हैं तो कोटा वासी भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये कैंप कार्यालय वो जगह है जहां पर जब भी आते हैं ओम बिरला तो लोगों की बात ज़रूर सुनते हैं, आम जन की बात ज़रूर सुनते हैं। कोटा से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कैंप कार्यालय की ये तस्वीर है, कैंप कार्यालय जहां पर ओम बिरला आम लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से बातचीत करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए। इससे पहले भी एक जब वो पहुंचे थे कोटा, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने आम लोगों से बातचीत की थी, उनसे मिले थे। और भंवर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। भंवर, जानकारी दें, यहाँ पर कैंप कार्यालय आम लोगों से मुलाकात ओम बिरला कर रहे हैं। बिल्कुल मेगा, 6 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और फिलहाल ये सभी तस्वीरें हम शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय से दिखा रहे हैं जहाँ संसदीय क्षेत्र के बहुत से लोग बिरला से मिलने के लिए पहुंचे हैं और बहुत सारे परिवाद और जन समस्याओं के ज्ञापन जो है वो भी इस वक्त बिरला को सौंपे गए। कई समस्याओं को लेकर के बिरला ने अपना जो स्टाफ है उनके साथ डिस्कशन किया है, जो संबंधित विभाग है वहाँ उस समस्या को भेजा गया है। और आपको बताऊँ की आज अनंत चतुर्दशी का महोत्सव कोटा में मनाया जा रहा है जिसमें अखाड़ों का व्यायाम प्रदर्शन होता है, एक बड़ा विशाल जुलूस निकाला जाता है। उस पूरे कार्यक्रम में भी बिरला शरीक रहने वाले, कई स्थानों पर वो अखाड़ों का स्वागत करेंगे, जुलूस की अगवानी करेंगे। जो जुलूस में शामिल श्रद्धालु है जो कि विसर्जन करने के लिए जाएंगे बाराद्वारी की तरफ, कोटा के पुराने कोटा के परकोटे के भीतर का जो परिपथ है वहां से गुजरते हुए, तो कई स्थानों पर वो जुलूस मार्ग पर श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाएंगे। और इसके अलावा 11 और 12 सितंबर को कोटा में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, रक्षा विभाग का डिफेंस एक्सपो यहां पर होने जा रहा है जिसमें ड्रोन और कई तरह के जो अत्याधुनिक हथियार है उनका यहां पर प्रदर्शन होगा। और साथ में स्टार्टअप के माध्यम से किस तरह से रक्षा क्षेत्र का निवेश कोटा में लाया जा सकता है उस पर भी बातचीत होगी। तो ये एक तरह से एक ऐसा आयोजन है जिसको लेकर के बिरला कई दिनों से सक्रिय रहे हैं, तो इसकी जो तैयारियां हैं उसका वो लगातार रिव्यू करेंगे। आज भी उनका रिव्यू करने का कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है वो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से मिलने मिलाने का है और लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय से वही सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, कैंप कार्यालय की ये तस्वीरें हैं भंवर। और आज क्योंकि बहुत सारे जैसा आपने बताया कि कार्यक्रम रहने वाले हैं, अनंत चतुर्दशी का ये जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं वो कितने बजे से होना है और ओम बिरला वहाँ पर कब शिरकत करेंगे? देखिए, दोपहर से पहले ये जुलूस निकलता है, करीब करीब 12 से 1 बजे के बीच का इसका समय माना जाता है। पहले सूरज पॉल गेट पर विधिवत पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना के बाद जुलूस मार्ग से जो अखाड़े हैं वो व्यायाम प्रदर्शन करते हुए और साथ में गणपति भगवान की प्रतिमा को लिए हुए अलग अलग जत्थों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग बस्तियों से निकलते हैं। इस बार कोटा में करीब करीब 125 झांकियां हैं और 5 से 6 दर्जन अखाड़ों का व्यायाम प्रदर्शन है। बीच बीच में जुलूस को रोका जाता है और रोक करके और जो पहलवान है वो कई तरह के करतब दिखाते हैं, अपना व्यायाम प्रदर्शन करते हैं, फिर जुलूस आगे बढ़ता जाता है। तो देखिए मेगा, ये इतना बड़ा आयोजन है जिसको कोटा का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक आयोजन कहा जाता है और इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.25 से 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं कोटा के वो आज इस विसर्जन जुलूस यात्रा में शामिल रहने वाले हैं। बिरला केतुनी फॉल के आसपास इस जुलूस के स्वागत में रहने वाले हैं। इस दौरान वो अखाड़ों के पहलवानों से भी बातचीत करेंगे, व्यायाम प्रदर्शन को भी देखेंगे और श्रद्धालुओं को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए।